हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। देखो, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के, ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, ये सब कुछ और एक एग्जांपल लेके समझा दिया था। ठीक है, आज हम लोग क्लास 8 का आर एस अग्रवाल बुक से 11A एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 ईयर्स फॉर 10% पर एन एम कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स वी हैव टू फाइंड अमाउंट एंड सी आई, जिसमें कि प्रिंसिपल क्या है। देखो, प्रिंसिपल है 2500, ओके, पी फॉर प्रिंसिपल। टाइम क्या है, 2 ईयर्स, ओके, एंड रेट क्या है, 10%, ओके। तो हमें सी आई निकालना है। तो हम आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि सी आई हमें निकालना तो डायरेक्ट फार्मूला से भी आएगा, लेकिन हमारा वो डायरेक्ट फार्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि समझना है हमें। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक एक करके हर ईयर का, मतलब पर ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, और इंटरेस्ट निकालने का वही फार्मूला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, या आप सिंपल सा आई भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो क्या होगा, पी 2500 इंटू आर मीन्स 10, और टी के जगह क्या लिखेंगे, टाइम के जगह 1, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, 2 साल का निकालना है, तो पहला ईयर का, तो पहला ईयर एक ही साल का ना, तो ये इतना डिविजिबल 25 इंटू 10, यू विल गेट ₹250। मीन्स देखो, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट हुआ, ठीक है ना, इस ₹2500 में कितना हुआ, ₹250। तो अमाउंट क्या हो गया फर्स्ट ईयर का, अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पी फॉर प्रिंसिपल, आई फॉर इंटरेस्ट। व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 2500, और इंटरेस्ट क्या है 250। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2750, ये हमें अमाउंट मिला, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में इतना अमाउंट। और यही अमाउंट, सुनना ध्यान से, क्योंकि मान लो आपने इंटरेस्ट इतना हुआ, ये इंटरेस्ट वापस नहीं किया गया, तो प्रिंसिपल में ये जुड़ जाएगा, तो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट ये हुआ, लेकिन सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा, यानी जो शुद्ध लगेगा वो हमारा इस पे नहीं, बल्कि इस वाले पे लगेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया प्रिंसिपल, हो गया पी, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए पी क्या हो गया 2750, ओके। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट आई फॉर इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट, तो अगेन पी इसे मानेंगे ना कि इसे, 2750 इंटू आर, आर क्या था 10% ही, और सेकेंड ईयर भी एक साल का हर ईयर का निकालेंगे, पर ईयर का हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 275 मिला, हमें क्या मिला, ये ₹275। तो अमाउंट बताओ, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी प्रिंसिपल में अगेन क्या होता है, पी प्लस आई, तो पी ये है ना, 2750 प्लस 275, ओके, तो वी विल गेट 5, 12 का 2, विन एंड कैरी 1, 10 का 0, और यहाँ पे 3, मीन्स 3025 हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना। ये हुआ अमाउंट लास्ट ईयर का, हमें निकालना है, अमाउंट तो निकल चुका है, हमें निकालना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में से लास्ट में जो अमाउंट हुआ उसमें से ये प्रिंसिपल घटा लेंगे, तो ₹3000 माइनस 2500, तो वी विल गेट 525। ये जो हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, 2 साल के एंड में कितना इंटरेस्ट मिला,
525 रुपया, ठीक है। या तो हम लास्ट ईयर में जो एक अमाउंट होता है उसमें से प्रिंसिपल को, ओरिजिनल प्रिंसिपल को क्या कर लेते, सब्ट्रैक्ट कर लेते, या हमारा फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट हुआ 250 प्लस सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, 250 प्लस 275 ऐड कर लेंगे, तब भी हमें कितना मिलेगा, 2525, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसी तरीके से हर पर ईयर का अमाउंट निकाल लेना और पर ईयर के अमाउंट को फिर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल मान लेना, हर ईयर के अमाउंट को सेकेंड ईयर का क्या कर लेना, प्रिंसिपल मान लेना, ठीक है। और उस तरीके से इंटरेस्ट निकालते जाना, जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, इंटरेस्ट जो आया वो प्रिंसिपल में जुड़ गया तो वो अमाउंट हो गया, और वो जो अमाउंट हुआ सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, है ना। और फिर जो इंटरेस्ट आया वो जुड़ जाएगा अमाउंट में, ओके। और इस तरीके से हम फिर CI निकाल लेंगे, और जो लास्ट में अमाउंट होगा उसमें से ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए सेकेंड ईयर में कहा जा रहा फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, सॉरी प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 15,625, ओके। टाइम है हमारा 3 ईयर्स एंड रेट है हमारा 12%, ओके। ये है तो हमें सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना होगा फर्स्ट ईयर का, है ना, उसी तरीके का, बस टाइम क्या है यहाँ पे 3 साल है, तो इंटरेस्ट निकालना है हमें। तो क्या लगाएंगे, पी, पी क्या है 15,625 इंटू आर 12%, और 3 साल का है ना, तो तीनों साल का अलग अलग निकालेंगे, इसलिए हम हमारा टाइम क्या निकालते हैं, एक रखते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 साल था तो 2 साल का फर्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर का निकाला था ना हमने इंटरेस्ट, उसी तरीके से ये 3 साल का है इसलिए एक एक करके हर साल का निकालेंगे, एक साल का पहले निकालेंगे इसलिए 1 लगा, फिर दूसरे साल का निकालेंगे तो फिर वो भी तो एक साल का पीरियड हुआ ना, फिर तीसरे साल का एक पीरियड हुआ, ठीक है, इस तरीके से बाय 100, ओके। तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 1875, ये इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट ईयर का, ये क्या हुआ फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट ये हुआ, ठीक है। तो अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट क्या हो गया, दिस वन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल हो गया 15,625 प्लस इंटरेस्ट क्या है 1875, ओके। ये हो गया तो हमें ऐड करने पे क्या मिलेगा, रुपीज़ 17,500, और ये जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट होगा यही अमाउंट क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर का, प्रिंसिपल पी फॉर प्रिंसिपल पूरा नहीं लिख रहे, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया, ये जो अमाउंट है वही प्रिंसिपल बन जाएगा आपका सेकेंड ईयर के लिए, डन। चल अब इस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लें हम लोग, इंटरेस्ट किस ईयर के लिए, सेकेंड ईयर, तो देखो अगेन फॉर्मूला क्या, पी, पी हम इसे मानेंगे ना कि इसे, ये हमारा चलता जाएगा, जो अमाउंट होता है ना फर्स्ट ईयर का वही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनता चला जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा ये हो गया, पी इंटू आर हो गया 12 इंटू टी, सेकेंड ईयर के लिए भी एक साल, ये हमारा इसे डिविजिबल है तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइड होने के बाद हमें मिलेगा 2100, ठीक है 2100, ये हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला सेकेंड ईयर में। अब ये जो इंटरेस्ट होगा अमाउंट, AMT हम आपको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इस वाले को अब मानते चलेंगे, ठीक है ना, जो था प्रिंसिपल में हमारा इस 2100 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 19,600, ओके। ये हो गया अमाउंट सेकेंड ईयर का, ठीक है ना, और ये जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है, जैसे फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट मिला था वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया, उसी तरीके से सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो फर्स्ट ईयर के, थर्ड ईयर के लिए, 3 साल का है ना, तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल थर्ड ईयर का क्या होगा, ये हो जाएगा 19,600 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अब थर्ड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का, ठीक है, थर्ड ईयर का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो अगेन पी, पी हम इसे मानेंगे ना, 19,600 इंटू आर, आर 12 इंटू 1 टाइम 1, ओके, देन वी विल गेट
ये हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अमाउंट क्या हुआ, एंड ऑफ द एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में अमाउंट क्या हो जाएगा, 19,600 प्लस 23,252 ओके विल गेट 21,952। अब ध्यान से समझना कि हमें क्या करना है। देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमें तीन साल का निकालना था, तो फर्स्ट ईयर का हमने प्रिंसिपल निकाला, इंटरेस्ट निकाला इतना आया, उससे फिर अमाउंट निकाला प्रिंसिपल में, इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, हमें ये मिला, ये अमाउंट हो गया, ठीक है यहाँ पे। और ये अमाउंट क्या बन गया, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया, ठीक है ना। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो गया, ये हो जाएगा, ये जो अमाउंट था ना वही क्या हो गया, प्रिंसिपल बन गया, ओके। अब ये प्रिंसिपल मान करके सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है, पी यानी पी इंटू आर, आर 12 और सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर सेकेंड नहीं लिखना है, वो भी तो एक साल का ड्यूरेशन है ना, तो वन ही लिखेंगे एक साल का ही, ठीक है ना। सिर्फ सेकेंड ईयर का निकाल रहे इसलिए वन लिखा, सिर्फ सेकेंड ईयर का। तो इंटरेस्ट क्या आ गया, ये आ गया। अब ये जो इंटरेस्ट आया, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट आया वो सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालेंगे फिर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हमें क्या मिला, 19,600, ठीक है। फिर यही जो अमाउंट है ना वो प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर का, ये जो अमाउंट आया वही प्रिंसिपल क्या बन गया थर्ड ईयर का। देखो ये अमाउंट है ना, प्रिंसिपल हमारा थर्ड ईयर का हो गया, ठीक है। फिर इसे भूल जाओ पूरे को, प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट क्या होगा थर्ड ईयर का, प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 था और सिर्फ थर्ड ईयर, ठीक है, इसलिए वन पुट किया तो काट छट के आया 23,52 और अब एंड ऑफ द ईयर इतना आया, ठीक है। तीन साल के बाद जो हमारा इंटरेस्ट था वो इतना आया, तो हम क्या कर सकते हैं अब CI निकालने के लिए, इसमें एंड ऑफ द ईयर यानी 21,952 में से 25,625 को डायरेक्टली घटा सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, 6,327 या इस बार हर तीनों ईयर का इंटरेस्ट को ऐड करें, 2100 प्लस सॉरी दिस 1875, देन 22nd ईयर का इंटरेस्ट एंड देन थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी आप ऐड करोगे तो भी हमें यही मिलेगा, ठीक है। या तो आप एंड ऑफ द ईयर के अमाउंट, मतलब तीनों साल के एंड में जो अमाउंट मिला उसमें से ओरिजिनल पी को घटा दोगे, माइनस कर दोगे तो आपको CI मिल सकता है, या तीनों साल में एक एक करके जो निकालता है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये, सेकेंड इंटरेस्ट ये, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये ऐड कर दोगे तो भी CI निकल जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI and CI ऑन 5,000 फॉर रुपीज फॉर टू ईयर्स, दो साल के लिए और 9% पर एनम। तो SI सबसे पहले निकालने का तरीका क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग SI, सिंपल इंटरेस्ट P, व्हाट इज P हियर, 5,000, P है 5,000, ठीक है ना, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यही है। तो P क्या है भाई, 5,000, P इंटू आर, आर क्या है, R है आपका 9, इंटू टी क्या है दो साल, है ना, बाय 100, 5 इंटू टू 10, 10 इंटू 9 90, चलिए SI हमारा 900 निकल गया। पर हमें अब CI निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, CI। तो देखो सबसे पहले हर एक साल का निकालते ना CI, क्या करते, दो साल का है तो दो साल का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट, अब हमें CI निकालना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट CI, ठीक है। सो क्या करेंगे, इंटरेस्ट हम निकालेंगे पहले फर्स्ट ईयर का, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर का, ओके। तो P क्या है, 5,000, P इंटू आर क्या है 9, और सिर्फ फर्स्ट ईयर का इसलिए हम 1 पुट करें और ये डिवाइड करेंगे 20 से, 9 इंटू 5 45, यानी कितना मिल गया, 450 रुपीज़ हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट एट द
एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट क्या मिला हमें? अमाउंट मिला 5,000 प्रिंसिपल में, यानी प्रिंसिपल था 5,000, उसमें ये इंटरेस्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा कितना? ₹5,450 ये मिला हमें अमाउंट, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में। और ये जो हम आपको बता चुके, यही अमाउंट जो होता है ना, यही अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल बन जाता है सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल पी फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट है ये, यही पी बन जाएगा, 5,450 क्या हो जाएगा, ये पी बन जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो है ना, अब फिर से हम इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर का, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ओके, तो पी, व्हाट इज़ पी, अब इसे पी मानेंगे, है ना, जो अमाउंट निकला फर्स्ट ईयर के एंड में वो सेकेंड ईयर के लिए पी हो जाएगा, यानी 4,5,450 इंटू आर, आर वही 9 होगा, और ये सेकेंड ईयर का, सिर्फ सेकेंड ईयर का, इसलिए 1 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, 10, चलो निकाले हम, हमें मिलेगा 4,490.50, ठीक है, ये इंटरेस्ट हुआ सेकेंड ईयर के। तो ये जो इंटरेस्ट हुआ, अब अमाउंट लिख सकते, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर तो क्या होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है ये, इस वाले में 5,450 प्लस 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो एंड ऑफ द ईयर अमाउंट क्या मिलेगा सेकेंड ईयर के ये। अच्छा, हमें निकालना है सीआई, तो हम क्या बताए थे हम आपको, एंड ऑफ, दो ही साल का था ना, तो दो साल ये हो गया, तो एंड ऑफ द ईयर यानी 4,5,940.50, ठीक है, माइनस कर लेंगे 5,000, है ना, तो हमें सीआई क्या मिल जाएगा, 940.50। हमने क्या करना था, देखो ऐसा ही ये निकला था दो साल के एंड में, ऐसा ही निकालने का तो बड़ा इजी सा है ना, पी इंटू आर इंटू 2/100, ठीक है, लेकिन हमें जब निकालना होता है सीआई तो हम एक एक साल करके निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला 450 को ऐड कर दिया प्रिंसिपल में, तो वो अमाउंट बना, और वही अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इसे भूल जाइए आप, अब इसे भूल जाइए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर का। तो प्रिंसिपल ये है, रेट दिया था 9 दिया था क्वेश्चन में, और सेकेंड ईयर के लिए, सिर्फ सेकेंड ईयर, इसलिए 1 लगा, काटने छाटने के बाद, डिवाइड करने के बाद हमें 490.50 मिले, ठीक है। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इसे इसमें ऐड करेंगे तो विल गेट दिस अमाउंट। अब सीआई निकालना, तो इसमें से 5,000 को माइनस कर देंगे तो हमें सीआई क्या मिलेगा ये। लेकिन हमने क्या निकालना था, सीआई क्यों निकाला, क्योंकि कहा तो गया था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस कैसे निकाल सकते, तो पहले सीआई निकाल दिया, पहले एसआई निकाला और फिर सीआई, और डिफरेंस निकालना, ये आपका इसमें का वर्किंग नहीं है, डिफरेंस निकालना है हमें। ओके, डिफरेंस, तो सी आई माइनस एस आई, तो वॉट इज सी आई, सी आई क्या है, 940.50 में से माइनस करेंगे 900, ये सी आई क्या आया था 900। ओके, तो यू विल गेट कितना मिलेगा, 40.50, ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया, ठीक है।